हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट मंत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री देखिए बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने से आदर ये तो एरे के थ्रू या लिंक के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो पहले एरे के थ्रू हम देखते हैं ये एक एरे है इस ट्री का रिप्रेजेंटेशन है एरे के फॉर्म में ये इंडेक्स लेट में बंद से स्टार्ट कर लेता हूँ सो पेरेंट ऑफ आई टू फार्मूला एल्गो क्या है रिप्रेजेंटेशन का पेरेंट ऑफ आई कुछ नहीं बनेगा रिप्रेजेंटेशन तो फॉर्म में ही होगा तो वन का पेरेंट क्या है, वन टू जीरू. जीरू इसके नहीं रहा है। इसका मतलब ए ही क्या है पेरेंट नोड़, रूट नोट है अब इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा वन का लेफ्ट चाइल्ड इस फॉमूल में रखिए टू तो टू पे जो है लेफ्ट चाइल्ड है ए का लेफ्ट चाइल्ड क्या है बी और इसका राइट चाइल्ड क्या होगा टू आई प्लस वन टू आई प्लस वन वन टू थ्री तो ए का राइट चाइल्ड क्या है सी

लाइक डी का फोर का तो फोर बाई टू पेरेंट क्या होगा फोर बाई टू इज टू तो डी का पेरेंट बी होगा यस देखिए बी है आप चाहते हैं कि इसका पेरेंट फाइव का क्या होगा फाइव बाई टू की फ्लोर वैल्यू फाइव बाई टू टू पॉइंट फाइव इज टू तो इसका भी टू पे जो इंडेक्स बी है देखिए इसका भी क्या है पेरेंट बी है तो इस तरह से आप बता सकते हैं लेकिन एरे रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर फुल बैलेंस ट्री है तो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं स्क्यू ट्री हो गया स्क्यू ट्री का मतलब लाइक इस तरह से तो इसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन ठीक नहीं होगा कैसे देख ली कितनी मेमोरी आपको रिक्वायर्ड होगी इसके लिए फर्स्ट एप है इसका इंडेक्स वन इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा लेफ्ट चाइल्ड इज टू इट इज बी इसका राइट चाइल्ड कहाँ होगा टू इंटू टू प्लस वन राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अब बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा बी का लेफ्ट चाइल्ड दैट इज सी और बी का राइट right चाइल्ड कहाँ होगा बी का राइट चाइल्ड फोर पर होगा नाउ एक राइट चाइल्ड इसका एक होगा नाउ फाइव सिक्स सेवन देखिएगाफ्ट चाइल्ड एक का लेफ्ट चाइल्ड टू इंटू वन इसका टू वन टू एक राइट चाइल्ड कहाँ होगा टू इंटू थ्री पर होगा ओके नाउ बी का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होगा बी का लेफ्ट चाइल्ड आएगा बी का लेफ्ट चाइल्ड ये आ गया और का राइट चाइल्ड होगा का राइट चाइल्ड कुछ इस तरह से होगा टू फोर प्लस वन बी का राइट चाइल्ड है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होगा जो थ्री पे है इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड थ्री टू से तो देखिए आपके पास ओनली uh, थ्री की है बट मेमोरी कितना वेस्ट आपके पास यूटिलाइज हो रहा है सेवन अब क्या मेमोरी का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है नो no. क्योंकि एरे के थ्रू रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो इतना मेमोरी आपको कम से कम देना ही पड़ेगा तो एन कीज हैं थ्री कीज हैं तो कितना मेमोरी सेवन एन कीज हैं तो कितना मेमोरी कम से कम लगेगा टू एन माइनस वन और इस केस में अगर एन कीज हैं तो कितना मेमोरी लग रहा है एन बट ये कब होगा बैलेंस के केस में तो मिनिमम साइज ऑफ एरे एरे का मिनिमम साइज कितना होगा एन अगर वो बैलेंस हुआ तो इस केस में एरे बेटर है एरे बेटर मेमोरी के यूटिलाजन होगा बट मैक्सिमम साइज ऑफ एरे कितना होगा जब स्क्यू ट्री होगा लाइक ए बी सी इस तरह से इनको बोलते हैं स्क्यू ट्री तो इस केस में मैक्सिमम साइज ऑफ एरे कितना मेमोरी अलग होगा टू की पावर एन माइनस वन वेन एन इज द नंबर ऑफ केस एरे रिप्रेजेंटेशन नॉट गुड फॉर स्क्यू ट्री इस तरह के ट्री के लिए एरे रिप्रेजेंटेशन बैटर नहीं है तो हम उसके इसमें लिंकलिस पढ़ते हैं तो लिंकलिस रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है लिंकलिस कहता है कि नोट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जैसे कि ए ए का लेफ्ट चाइल्ड क्या है बी और सी सपोज तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में इसका एड्रेस आएगा इसके राइट right चाइल्ड में इसका एड्रेस आएगा इसके लेफ्ट चाइल्ड में क्या नल होगा इसमें कोई चाइल्ड नहीं है तो नल नल अब आपका अगर स्क्यू ट्री है लाइक like इस तरह का ट्री है तो इसमें टू एन माइनस वन मेमोरी वेस्ट नहीं होगा हम क्या करेंगे ए का लेफ्ट राइट चाइल्ड इसके राइट right चाइल्ड में आपका बी बी के राइट right चाइल्ड में सी यहाँ पे नल यहाँ पे नल हो जाएगा यहाँ पे नल हो जाएगा यहाँ पे नल हो, हो जाएगा तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ देर आर एन नंबर ऑफ नोट इन द

ये एक ट्री है दैट इज ए ओनली ए है तो इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ रूट पे क्या है ए लेफ्ट चाइल्ड नहीं है सिंगल एक ही नोड है यहां देखिए रूट क्या है ए लेफ्ट चाइल्ड इज बी राइट चाइल्ड सी ए बी सी लिखा है तो इसका मतलब क्या है इस तरह से लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा रूट दैट इज ए लेफ्ट की जगह पे क्या है लेफ्ट की जगह राइट की जगह पे, सब ट्री, right की जगह पे सब ट्री. तो अगेन ये एक ट्री है रूट लेफ्ट राइट बी डीई दिस भी एक सेप्टर है तो सी एफ जी ये रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन आपको यह बताना है तो बैलेट बाइंड रिप्रेजेंटेशन आप देखिए लेफ्ट और राइट में ये तो नहीं हो सकता लेफ्ट और राइट यह भी नहीं हो सकता ये फोर फाइव ये भी नहीं हो सकता क्योंकि थ्री है कम से कम थ्री होना चाहिए था ये करेक्ट है तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट में क्या है टू थ्री थ्री फोर इधर राइट इज फाइव सिक्स सेवन तो ये वैलिड है तो आंसर इज सी अब देखिए नंबर ऑफ बाइनरी ट्री नंबर ऑफ बाइनरी ट्री इफ एन इक्व टू क्या है इफ़ एन इक्व टू थ्री तो इस केस में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री इसमें जनरेट हूँ सो बाइनरी ट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्री दो तरीके के अनलेबल्ड ट्री और लेबल्ड अनलेबल्ड का मतलब ये है कि फैन इक्व थ्री की मैं बात करूं तो एक ट्री ये है एक ट्री ये भी हो जाएगा सॉरी थ्री के लिए बनाना था एक ट्री ये इस तरह से बन जाएगा तो ये कैसे हैं अनलेबल्ड बाइनरी ट्री कितने हैं ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव ये स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको केवल अनलेबल्ड इसके अंदर कोई की नहीं लिखना है इनको बोलते हैं अनलेबल्ड बाइनरी ट्री तो ये थ्री कीज तो कैसे ऐसे बाइनेट्री के स्ट्रक्चर बन सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और लेबल्ड बाइनरी ट्री की अगर मैं बात करूं तो लेबल्ड बाइनरी ट्री के अंदर आपको कीज को रखना है तो यही स्ट्रक्चर अगर आप कीज रखते हैं ए बी सी तो यही स्ट्रक्चर आपके देखिए कितने तरीके से भर जाएगा सिक्स तरीके से ए बी सी इसी तरह से ए सी बी नाउ बी ए सी इसी तरह से बी सी ए इसी तरह से सी ए बी नाउ सी बी ए तो अकेला यही स्ट्रक्चर कितने तरीके से फिल हो गया फैक्टोरियल एन तो ये है अनलेबल्ड बाइनरी ट्री और ये लेबल्ड एक ही स्ट्रक्चर में ये अकेला स्ट्रक्चर छह तरीके से भर गया ये भी सिक्स तरीके से फेल हो जाएगा ये भी सिक्स तरीके से ये भी सिक्स तरीके से ये भी सिक्स तरीके से तो वो सारे जो ट्री होंगे उनको लेबल्ड बाइनरी ट्री जिसके अंदर आप कीज को फिल कर देंगे और अगर आपने अंदर की नहीं भरे तो स्ट्रक्चर केवल ये स्ट्रक्चर एक ही बार काउंट होगा तो इनको बोलते हैं अनलेबल्ड बाइनरी ट्री तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है

में देखा भी था कि ये कितने आप, आपके बनना है ये? तो इसमें भी आपके फाइव आना चाहिए फार्मूले से तो ये हमने फार्मूले में रखा है टू एन सी एन अपन एन प्लस वन इसको बोलेंगे हम किस तरह से खोलेंगे फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू फोर फैक्टर फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर इससे ये ये कट गया, ये कट गया, गया, इससे फोर से फोर कट गया आंसर इज फाइव और नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो उसमें फैक्टोरियल एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए सो कितना आ रहा था फाइव इंटू फैक्टोरियल एन फैक्टोल एन सिक्स तो लेवल्ड बाइंडेट्री कितने बनेंगे थर्टी और अनलेबल्ड कितने बनेंगे फाइव तो ये फार्मूला है इस फार्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को ध्यान रखना अनलेबल्ड बाइनरी बाइनरेटरी बराबर नंबर ऑफ बाइंड भी इतना तो ही बनते हैं फॉर्मूला इज टू एन सी एन अपॉइन एन प्लस वन और लेबल्ड बाइंडेटरी जिसके अंदर आप कीज को फिल कर देंगे तो टू एन सी एन एन अपॉन एन प्लस वन इंट फैक्टोरियलियल एन तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्री ट्रैवर्सल दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच